भैया दीदी। हेलो दीदी, आपको होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। तुम्हें भी होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। आरुषि, तुम आ रही हो ना सबके साथ होली मनाने के लिए? अब दीदी हम कह नहीं सकते हम आ पाएंगे या नहीं। आरुषि, हम समझ सकते हैं कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, लेकिन फिर भी हम ऐसा चाहेंगे कि तुम यहाँ पर आओ ताकि हम अपनी बहन के साथ होली मना सके। खैर, फैसला तुम्हारा है, जैसी तुम्हारी मर्जी। दीदी अब ये सब छोड़िए ना, आप हमें ये बताइए कि जीजू कैसे हैं? आप दोनों के बीच में अब सब कुछ ठीक तो है ना? और आपने जीजू के साथ होली खेलने की शुरुआत की या नहीं? अरे आरुषि, होली की शुरुआत तो हमने सुबह से ही कर दी है। जानती हो, हमने और समर ने मिलकर सुबह ही जब कृष्णा सो रहा था ना, तब उसके पूरे चेहरे पर रंग लगा दिया, और जब वो हॉल में आया ना, तब उसे पता चला कि उसके चेहरे पर ना कलर लगा हुआ है। सच दीदी, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया। वैसे दीदी, जीजू के सर से टेंशन दूर हटाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। आपने जो कुछ भी किया ना, वो बिल्कुल सही था। अब अच्छा आरुषि, अब हम फोन रखते हैं, बहुत सारा काम पड़ा है। देखो, हम सबके साथ तुम्हारा भी इंतजार करेंगे, तुम्हें सही लगे तो तुम आ जाओ। जी दीदी। होली है भाई, होली है, बुरा ना मानो, होली है। तन्मय, ये क्या किया तुमने? हम अभी नहा कर आए हैं ना, पूरा चेहरा गंदा कर दिया, हमारे हमारे कपड़े भी गंदे कर दिए। अरे अरे अरे, होली के दिन रंग नहीं लगाएंगे तो और क्या लगाएंगे? और ऐसे होली के दिन तुम ऐसे ना दो के जो बुद्धिमानी का उदाहरण दिए, उसमें हम क्या करें? अपनी पत्नी को रंग नहीं लगाएं तो और किसको लगाएंगे भाई? वैसे क्या तुम नहीं चाहती थी कि हम तुम्हें सबसे पहले आके रंग लगाएं? किसी और से रंग लगवाना था जो इतना बुरा लग गया? इसके अलावा तुम और कुछ सोच भी क्या सकते हो तन्मय? ये जो अविश्वास और शक जो तुमने अपने मन में पाल कर रखा है ना, इसी की वजह से तुम हर पल हमारे ऊपर शक करते रहते। खैर, तुमसे बात करने का फायदा भी क्या है? मैं अविश्वास और शक। प्रतिज्ञा बन जा।